गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन टू व्हाट आई विल टीच टुडे। टुडे आई विल टीच संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, ठीक ना। इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मीन्स क्या होता है, कहने का मंस ये है कि यह जो टॉपिक है क्लास इलेवेंथ केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक ना। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि संयोजकता कोष किसी भी एलिमेंट के जो आउटरमोस्ट सेल होता है उसी को हम क्या मानते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं, संयोजकता कोष कहते हैं। तो संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, तो जो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक ना, तो उन इलेक्ट्रॉन पेयरों में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो उसी के बारे में सन 1957 में आर नारहोम तथा आर गिलेस्पी नामक दो साइंटिस्टों ने इस थियोरी का प्रतिपादन किया। किस थियोरी का, वेस्पर थ्योरी, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं। इन 1957 आर नारहोम एंड आर गिलेस्पी प्रपोज अ थ्योरी अबाउट इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल ऑफ एटम। दैट थ्योरी इज नोन एज वेस्पर थ्योरी, इलेक्ट्रॉन सेल रिपल्सन थ्योरी, ठीक ना। तो इस थ्योरी को मतलब कि किसी भी एटम के जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके रिपल्सन के बारे में ये थ्योरी प्रपोज किया गया है। और किसने किया है, तो आर नारहोम एंड आर गिलेस्पी ने 1957 में इस थ्योरी को प्रपोज किया। ओके, तो इस थ्योरी का मीन्स क्या है, कह रहा है कि कोई भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स वो सहसंयोजक यौगिक है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि सहसंयोजक यौगिकों का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। जैसे देखिए अमोनिया है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 1-1, यहाँ पर 1-1, तो देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ शेयर किए हैं और एक पेयर यहाँ पर अनशेयर्ड है। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स सहसंयोजक यौगिकों में जो एटम रहते हैं और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, वे एटम्स एक दूसरे से सहसंयोजक बंधों के द्वारा बंधे होते हैं। तो जो केंद्रीय परमाणु होता है, ये सेंट्रल वाला परमाणु, इसका जो वाहितम कोष होता है वो संयोजी कोष कहलाता है, वैलेंस सेल कहलाता है। तो इस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं हम, बॉन्ड पेयर। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट किया तो इसको क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर कहेंगे। ये पार्टिसिपेट किया तो इसको क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर कहेंगे। बट वी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसको कहते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर लोन पेयर। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में हम गौर करते हैं, अमोनिया में देखिए, अमोनिया में अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और नाइट्रोजन की जो वैलेंस सेल है उसमें एक पेयर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्ड पेयर है क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किए। यहाँ भी बॉन्ड पेयर है क्योंकि ये भी जो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट, ये भी बॉन्ड पेयर है और यहाँ ये लोन पेयर है।
ठीक है ना। जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स में देखिए, ऑक्सीजन के ऑटोमर्स में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 1। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर। ये क्या हो जाएगा आपका, बॉन्ड पेयर। मीन्स द इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, अरे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज बॉन्ड पेयर। द इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज बॉन्ड पेयर, बट दैट इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज लोन पेयर आर अनशेयर्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो बंध बनाए रही है, उसके बॉन्ड पेयर कहते हैं, आ बंधी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर, जो बंध बनाने में भाग लेंगे उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर बंधी इलेक्ट्रॉन, और जो नहीं लेंगे उसको अनाबंधी लोन पेयर कहते हैं। तो अमोनिया में कितने लोन पेयर है, 1, और वाटर में यहाँ पर लोन पेयर 2 है। देखिए ध्यान से, 1 ये और 1, ये तो बॉन्ड पेयर है, और ये क्या है, लोन पेयर, यहाँ भी हो गया लोन पेयर, यहाँ भी हो गया, तो ये बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, द कोवलेंट मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इट मस्ट बी रिपल्सन। कह रहा है कि जो सहसंयोजक यौगिक है उसके केंद्रीय परमाणु के जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, उसमें रिपल्सन श्योर होता है, मस्ट होता है, प्रतिकर्षण जरूर होता है। तो उस प्रतिकर्षण से, प्रतिकर्षण को कम करने के लिए और अणु को अस्थाई आकृति प्रदान करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर स्थित होते हैं। क्या करने के लिए, तो प्रतिकर्षण होगा चाहे वो लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, तो इस प्रतिकर्षण को कम करे और मॉलिक्यूल्स को स्टेबल ज्योमेट्री प्रोवाइड करे, अस्थाई ज्यामिति प्रदान करने के लिए ये लोन पेयर ऑर्बिटल या बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल एक दूसरे को बहुत दूर स्थित करते हैं, बहुत दूरी पर स्थित रहते हैं, ताकि इनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम हो और अस्थायित्व अधिक से अधिक हो। इसी को हम कहते हैं व्हिस्पर थियरी। कैसे हम कह सकते हैं भाई, कह रहे हैं कि इन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स द सेंट्रल मेटल एटम इन विच आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज नोन एज वैलेंस सेल, द वैलेंस सेल ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट लोन पेयर आर बॉन्ड पेयर, इट मस्ट बी रिपल्सन। टू मिनिमाइज रिपल्सन एंड गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल ज्योमेट्री, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्बिटल सिचुएटेड टू ईच अदर एज फार एज मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑर्बिटल्स हैं, वे मॉलिक्यूल्स को सूटेबल और स्टेबल ज्योमेट्री प्रोवाइड करने के लिए एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर क्या रहते हैं, सिचुएटेड रहते हैं, और दिस इज नोन एज व्हिस्पर थियरी।
यही वेस्पर थ्योरी है कि मालिकुल्स जो कोवेलेंट मालिकुल्स हैं इसमें जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल हैं मालिकुल्स को सूटेबल एंड स्टेबल ज्योमेट्री एंड मिनिमाइज रिपल्सन के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस पर जितना हो सके अधिकतम दूरी पर स्थित रहते हैं, इसको कहते हैं वेस्पर थ्योरी। इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। क्या है मुख्य पॉइंट्स? कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि द ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। द ज्योमेट्री ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब यह है कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है इसकी ज्यामिति ज्योमेट्री इसके वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी भी सहसंयोजक यौगिक के अणुओं की ज्यामिति उसके संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। किसी भी सहसंयोजक यौगिक की ज्यामिति उसके केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। फर्स्ट सेकंड कह रहा है कि इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्बिटल सिचुएटेड टू ईच अदर एज फार एज मैक्सिमम डिस्टेंस टू प्रोवाइड स्टेबल एंड सुटेबल ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्बिटल सिचुएटेड टू ईच अदर एज फार एज मैक्सिमम डिस्टेंस टू मिनिमाइज रिपल्सन एंड प्रोवाइड स्टेबल एंड सुटेबल ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब क्या है कि जो सहसंयोजक यौगिक है इसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं के ऑर्बिटल हैं वे एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित रहते हैं ताकि मॉलिक्यूल्स को जो ऑर्बिटल है इसमें कम से कम प्रतिकर्षण रहे और अणु को अस्थाई तथा एक निश्चित सुनिश्चित आकृति ज्यामिति प्रदान किया जा सके। सेकंड थर्ड नंबर कह रहा है कि जो इन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्बिटल हैं इनमें जो रिपल्सन का क्रम होता है प्रतिकर्षण का जो क्रम होता है तो लोन पेयर ऑर्बिटलों में अधिकतम रिपल्सन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऑर्बिटलों में उससे कम और बॉन्ड पेयर जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें सबसे कम रिपल्सन होता है। थर्ड नंबर इसका पॉइंट यही है कि द रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्बिटल इज गिवेन बिलो द मैक्सिमम रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर ऑर्बिटल। मैक्सिमम रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर ऑर्बिटल द रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर मैक्सिमम द रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज मिनिमम द रिपल्सन ऑफ बॉन्ड पेयर इज आल्सो मिनिमम मीन्स द रिपल्सन ऑफ लोन पेयर बॉन्ड इज ग्रेटर देन रिपल्सन ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर। कहने की चीज ये है कि जो लोन पेयर ऑर्बिटल उसमें मैक्सिमम रिपल्सन होगा, जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर उसमें उससे कम और बॉन्ड पेयर जो ऑर्बिटल है उसमें सबसे कम
रिपल्सन होता है। यही कारण है कि देखिए रिपल्सन इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है जिसमें दो लोन पेयर ऑर्बिटल है, तो इनके बीच जो एंगल है ये तो है, तो इन लोगों के स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए, बट दो लोन पेयर ऑर्बिटल इतना रिपेल कर देते हैं एक दूसरे को कि इनके बीच का एंगल कितना हो जाता है, 104.5 degrees हो जाता है। अब ये देखिए अमोनिया में इसमें एक लोन पेयर है तो इसमें रिपल्सन जो है कि कम होता है, जबकि ये लोन पेयर इसमें रिपल्सन मैक्सिमम होता है। तो ये हो गया हमारा आपका वेस्पर थियरी, ठीक है ना, इसको स्टडी कीजिए। और नेक्स्ट हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के लिए आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा हो कंसेप्ट, तो आप जो है कि माँ शारदे के नाम पर लाइक ठोक दीजिए, और अगला मिले आपको क्लियर कंसेप्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।